हेलो फ्रेंड्स, सो मायसेल्फ सौरभ खंडेलवाल एंड वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद आइकन। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आप देख भी रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है आप सभी के लिए, यस ईच एंड एवरीवन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो शायद वो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। कॉन्फेडरेशन एटीएम इंडस्ट्री ने अप्रोच किया है आरबीआई और एनपीसीएल को और कहा है कि जो एटीएम इंटरचेंज फी होती है उसे बढ़ा दिया जाए। इंटरचेंज फी है क्या? इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको एक डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड इशू करती है और उस डेबिट कार्ड की हेल्प से आप किसी भी एटीएम पर और अपने ही बैंक के एटीएम पर जाके ट्रांजेक्शन और विड्रॉल करते हैं। क्या आपको पता है कि आप कितने विड्रॉल तक फ्री विड्रॉल या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? वो है 5। तो इंडिया में अभी जिस बैंक का एटीएम है और जिस बैंक का कार्ड है अगर वो दोनों सेम है तो आप महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ध्यान रखें। अदरवाइज अगर आप किसी और दूसरे एटीएम मशीन को यूज करते हो और आपका डेबिट कार्ड किसी और बैंक का है तो आप 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसी एक्स्ट्रा चार्ज को एटीएम इंटरचेंज फी कहा जा रहा है। 2012 से पहले तक 18 रुपए का एक चार्ज बैंक्स आप लोगों से लेती थी। 2012 में 3 रुपए कम किया गया और 2012 में जाकर वो 15 रुपए हो गया। करंटली ये 17 रुपीज है और इसे एक्सीड मतलब अपर लिमिट है कि कोई बैंक अगर, क्योंकि हर बैंक का अपना अपना एक चार्जेस होता है, बट आरबीआई ने ये लिमिट सेट कर रखी है कि नॉट मोर देन 21। इसका मतलब आज की तारीख में अगर कोई बैंक 21 रुपीज चार्ज कर रहा है तो कॉन्फेडरेशन एटीएम ये कह रहा है कि इसे बढ़ाकर 23 रुपीज कर दिया जाए। इसका मतलब आज की तारीख में अगर आप किसी एक दूसरे बैंक की एटीएम में फ्री ट्रांजेक्शन करने जाते हो तो फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आप कोई दूसरा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा और प्रपोज्ड प्लान ये है कि इसे 23 तक बढ़ा दिया जाए। और कॉन्फेडरेशन एटीएम ये कह रहा है कि इसके बढ़ाने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। वो रीजन क्या है? एक तो ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गई है ड्यू टू द रेंटल, जो किराया जहां मशीन सेटअप की गई है वहां का किराया बढ़ चुका है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुका है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो डीजी हो, जनरेटर्स हो। कैश लोडिंग चार्जेस, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो वैन लेकर आते हैं और किसी बैंक के एटीएम में कैश लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, वो चार्जेस बढ़ चुके हैं। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी नॉर्म्स भी थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो उसको देखते हुए अब बैंक में इंटरचेंज फी को बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स पर हम आते रहेंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।